नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूँ आपका सी लॉर्ड न्यूज में। आजकल सोशल मीडिया की नजर से कोई चीज नहीं बचती। आए दिन यहाँ कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन इस बार सामने आए वीडियो का दृश्य आपको विचलित कर सकता है। एक वीडियो जिसमें लाचार बाप अपनी जिंदगी को अलविदा कह चुकी बेटी को कंधे पर उठा 10 किलोमीटर का सफर तय करता है। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह? मामला गांव अमदला के रहने वाले ईश्वर दास का है, जिनकी बेटी पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। ऑक्सीजन लेवल करीब 60 के पास आ पहुंचा था। 7 साल की इस बच्ची की हालत को देखते हुए पिता सवेरे ही उसे लखनपुर ले आए थे। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्रामीण चिकित्सा सहायक डॉक्टर विनोद भार्गव बताते हैं कि बच्ची का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम था। हमने आवश्यक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। हमने परिवार के सदस्यों से कहा कि शव वाहन जल्द ही आ जाएगा। यह लगभग 9:20 पर पहुंचा, लेकिन तब तक वे शव के साथ निकल चुके थे। समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के चलते पिता को अपने कंधे पर ही डेड बॉडी लेकर घर जाना पड़ा। अस्पताल से घर तक की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी, लेकिन इसके बावजूद पिता बेटी की लाश को लेकर घर पहुंचा। वायरल वीडियो होने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित कर्मचारियों को चाहिए था कि वो सही संवाद द्वारा परिवार को स्थिति से अवगत कराएं और संवेदना दिखाएं। इस मामले में पाए जाने वाले दोषियों पर कार्रवाई होगी और जो अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करने में असक्षम हैं, उनकी जगह दूसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी।